रांची से बड़ी खबर, मणिपुर से वापस लौट रहे झारखंड के छात्र, थोड़ी देर में 26 छात्र विशेष विमान से पहुंचेंगे पटना। सीएम सोरेन के आदेश के बाद वापसी की तैयारी हो चुकी है। मणिपुर हिंसा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था। श्रम विभाग ने साझा की कुल 34 छात्रों की सूची। मणिपुर में बीते 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण है। मणिपुर के कई क्षेत्रों में सैन्य बल तैनात किए गए हैं। कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है और इस बीच वहां झारखंड के कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ छात्रों को वापस लाया जा रहा है। सीएम ने निर्देश दिए और इसी कड़ी में 34 छात्रों को वापस लाया जा रहा है। मणिपुर से वापस लौट रहे हैं। जिस तरीके से मणिपुर में स्थिति बेहद संवेदनशील है और वहां की स्थिति बेहद गंभीर है, इस कड़ी में 34 छात्रों को वापस लाया जा रहा है। पटना पहुंचेंगे थोड़ी देर में मणिपुर से लौट रहे छात्र। बता दें कि वहां पर लोगों की जो स्थिति है वो बेहद खराब हो चुकी है। इधर परिजन परेशान हो रहे हैं। वहां पे जो छात्र हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वो अब वापस लौट रहे हैं अपने राज्य। बता दें आपको कि इसी बीच वहां झारखंड के कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ छात्रों को वापस लाया जा रहा है। रांची, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों के छात्र वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रांची, बोकारो, धनबाद, आपको बताएं पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के भी जो वहाँ छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन यूनिवर्सिटी में छात्र जो हैं पढ़ते हैं। बता दें आपको NIT सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिजन काफ़ी ज़्यादा इनके परेशान हो रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भी छात्र अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। IIT मणिपुर में भी पढ़ते हैं राज्य के कई छात्र, जो कि अभी परेशान हैं, उनके परिजन भी परेशान हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, श्रम विभाग ने हेल्पलाइन जारी की है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कंट्रोल रूम नंबर है ये, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर बात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है नंबर, इससे आप नोट कर सकते हैं।